प्रदर्शन करते हुए 62 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने 8 सीट पर कब्जा जमाया, वहीं कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। क्या कुछ कहा, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने पर मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूं और उम्मीद व विश्वास करता हूं कि दिल्ली की नव निर्वाचित सरकार उनके नेतृत्व में दिल्ली के विकास, प्रगति व जनहित को लेकर कार्य कर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। कांग्रेस पार्टी के लिए भले ही परिणाम अनुकूल नहीं रहे, हम पार्टी स्तर पर इसकी समीक्षा भी करेंगे, मंथन भी करेंगे, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के लिए एक कड़े सबक के रूप में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और अब दिल्ली के परिणामों ने यह साबित कर दिया कि भाजपा की नफरत व बांटने की राजनीति को देशवासी नकारते जा रहे हैं। पूरी भाजपा ने देश की राजनीति दिल्ली के इस चुनाव में अपने आप को पूरी तरह से झोंके रखा, मुद्दों से भटकाने का व गुमराह करने का जमकर प्रयास किया, जमकर झूठ परोसा, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। यह परिणाम केंद्र की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों की हार है। यह भाजपा के लिए आत्मचिंतन का समय है। यह परिणाम देश से भाजपा को नकारने की जो शुरुआत हो चुकी है उसी कड़ी के रूप में है। दिल्ली में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल सरकार वापस करके आ चुकी है। वहीं इस पर एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये तो पहले से हम जानते थे कि हमारी संगठन और जो आज, पर सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का क्या परिणाम हुआ जो इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं, और केंद्र भी दिल्ली में है, तो अगर संतुष्ट होते लोग, संतुष्ट होते सबसे ज़्यादा करीब अगर किसी स्थान पर हैं तो मोदी जी तो दिल्ली से सबसे ज्यादा करीब है। सब उन्होंने केवल विकास की बात करी, भारतीय जनता पार्टी का सही पहचान, सही चेहरा पूरे देश भर में पहचाना जा रहा है। देखिए, ध्यान मोड़ने की राजनीति है। आज केंद्र के कोई नेता मोदी जी बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, कृषि क्षेत्र के बारे में बात नहीं करते, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, सीए। मेरा तो एक बहुत बुनियादी प्रश्न है, सीए पर कोई वॉर हो रही है, कोई रेफ्यूजी आ रहे हैं, तो इसकी कौन सी आवश्यकता थी, कौन सी आफत थी कि आप संसद को 12 बजे तक रात को बिठा के इसको पास कर रहे हैं? तो क्या लक्ष्य था जब कोई वॉर नहीं है, कोई रेफ्यूजी नहीं आ रहे? क्योंकि वे एक बांटने का संदेश देना चाहते थे। कई सीटें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच वोटों का अंतर 1000 वोट से भी कम का है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी उत्साह से भरे हुए हैं। कांग्रेस तो बिल्कुल साफ ही हो गई, पता ही नहीं चला कहां गई, और बीजेपी का जो वोट शेयर अभी दिखाया जा रहा है वो लगभग 10% बढ़ रहा है, सीटें लगातार कई गुना बढ़ी है, पहले तो हमारे पास 3 ही थी। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि पूरा परिणाम आने दीजिए, अभी पूरे परिणाम आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया है, और इसलिए हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो दिख रहा है, क्योंकि सीटों का अंतर बहुत कम है, सीटों के बीच वोटों का जो अंतर है वो बहुत कम है, और अभी भी अच्छे परिणाम आएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 53वीं पुण्यतिथि को चंदेरी मंडल अध्यक्ष सहित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्मरण करते हुए समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा मंडल चंदेरी के तत्वावधान में समर्पण दिवस
का यह सह कार्यक्रम चंदेरी मंडल के कार्यक्रम में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंगर ने की। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित पूर्व मंडल अध्यक्ष आलोक तिवारी उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत में भाजपा मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र सिंगर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा लेने की बात कही। अन्य वक्ताओं ने अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में भरत पंसारी, अशोक गुप्ता सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अनूपपुर थाना भालूमाड़ा क्षेत्र अंतर्गत भालूमाड़ा क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला के साथ ट्रिपल तलाक का मामला प्रकाश में आया है। महिला ने भालूमाड़ा थाने पहुंचकर शिकायत की है कि उस पर फोन कर उसके पति ने तीन तलाक कर प्रताड़ित किया है। भालूमाड़ा थाने में जाकर 9 फरवरी 2020 को लिखित शिकायत करते हुए आप बीती घटना थाना प्रभारी को सुनाई। थाना प्रभारी भालूमाड़ा ने पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पूरे मामले की पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को अवगत कराया। तत्पश्चात भालूमाड़ा थाने पर पीड़िता महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। महिला मेरे पास आई थी और एक लिखित शिकायत पेश की थी और उसमें जो लिखा हुआ था कि मोबाइल फ़ोन से मेरे पति जो है ना मेरे नंबर में लगा के तीन तलाक 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 कह कर के उन्होंने मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। आवेदन पत्र के आधार पर जो है मेरे द्वारा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के धारा 4 के तहत FIR पंजीबद्ध किया गया है। शहडोल में वन विभाग द्वारा ग्रामीणों से कराए गए कार्यों का भुगतान नहीं हो पाने पर नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को DFO उत्तर मंडल कार्यालय का घेराव कर भुगतान किए जाने की मांग की है। वहीं शहडोल रेंज की रेंजर मोहन अरसे भुगतान न करने और मजदूरों से कोरे कागज में अंगूठा लगवाने के कांग्रेस महामंत्री ने आरोप लगाया। शेड्यूल रेंज अंतर्गत ग्राम निपानिया बिट में वन विभाग द्वारा पौधा लगाए गद्दा खुदाई बरमसिया कटाई का काम लगभग 50 से जुड़ा मजदूरों से कराया था। काम खत्म होने के बाद से ही मजदूरों को आज महीनों से भुगतान के लिए रेंजर मोहन अरसे द्वारा परेशान किया जा रहा है लेकिन मजदूरों को बकाया नहीं मिल रहा है। कुछ शिकायतें ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसकी जांच की जा रही है। जांच के आज से कार्रवाई शुरू की जा रही है। एक्चुअली वो मोहनलाल आरसे साहब गिंजे साहब थे उनका स्थानांतरण भी हो चुका है और इसलिए इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्य वन संरक्षक महोदय ने इसमें जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पदस्थ IPS सूरज सिंह परिहार ने पुलिस अधीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं पदभार ग्रहण करने के साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आयोजित किया। दरअसल नवीन जिला के औचित्य में आते ही IPS सूरज सिंह परिहार ने पुलिस आधारभूत व्यवस्था एवं कानून की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु जुट गए हैं। उनके द्वारा बतलाया गया कि जिले में चिन्हांकित किए गए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुलिस कंट्रोल रूम पुलिस लाइन में सेटअप की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। साथ ही विभिन्न जिलों से पदस्थापना से आए हर पुलिस कर्मियों की नवीन जिले में आमद हो चुकी है। पुलिस कर्मियों को शाखाओं में पदस्थ कर आवश्यक कार्य लिए गए। वहीं क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही व्यस्तम चौक चौराहे पर यातायात सुचारू रूप से संचालन हेतु पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे तो सीमावर्ती इलाकों से गांजा और शराब तस्करी को रोकने के लिए चेक पॉइंट के माध्यम से नकेल कसने की पहली प्राथमिकता रहेगी। तो वहीं जिले में कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से अपराधियों पर लगाम लगाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा। नया जिला अपना कल शुरू हुआ है, 10 तारीख को इसका उद्घाटन किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। तो चूंकि अभी यहाँ पे पुलिस व्यवस्थापना संबंधित आधारभूत संरचनाओं में थोड़ा सा
अभाव दिख रहा है, तो अभी फौरी तौर पर अपनी प्राथमिकता रहेगी कि पुलिस का जो कंट्रोल रूम है, पुलिस लाइन है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, वो चिन्हांकित हमने पिछले कुछ समय में कर लिया था। भिंड में कल औचक निरीक्षण कर आए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक अजीबोगरीब रवैया सामने आया। वैसे तो मंत्री जी अपने स्टंट से खूब जाने जाते हैं, लेकिन भिंड में जो किया उसने सभी को चौंका दिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी ने वार्डों में गंदगी और चौक नाले की सफाई के बाद सीएमओ नगर पालिका पर भड़क गए। पहले तो फटकार लगाई और उसके बाद मंत्री जी ने सीएमओ नगर पालिका के पैर छू लिए, जिससे सीएमओ नगर पालिका शर्मिंदगी हुई। मंत्री की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। राजनीति में इन दिनों बालोद में अटल चौक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपको बता दें कि अटल चौक भाजपा सरकार द्वारा भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बनाया गया था, जो कि अब अस्त व्यस्त अवस्था में है। सुंदरा नवाब गांव में तो अटल चौक के ऊपर पुल बना दिया गया है, तो वहीं अटल चौक कंडे सुखाने के काम आ रहा है, जिस पर भाजपा व कांग्रेस आप आमने सामने हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेसी अपने घोषणा पत्र की चिंता करें, अटल चौक की चिंता करने के लिए भाजपा है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि अपने सरकार द्वारा निर्मित और विख्यात नेता अटल जी के नाम पर बनाए गए चौक चौराहों को संरक्षण कर पाने में भाजपा असमर्थ साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का एकदम साफ कथन है, वो अपने घोषणा पत्र की चिंता करे, उसने अपने जो घोषणा पत्र में वादा किया है उसको पूरा करे, जनता को दिग्भ्रमित मत करे। जनता अटल चौक के पीछे नहीं भाग रही है, अटल चौक की चिंता भाजपा करेगी, वो सिर्फ घोषणा पत्रों में किए गए वादों को पूरा करने की चिंता करे। उनको हमारी बात याद आ रही है, हमारी सरकार ने यदि कहा है तो उसको भी पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था, बेरोजगारी खत्म करने की बात कही थी, 15 लाख खाता में आने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, वो उनको याद नहीं है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Literacy School, Mundao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Literacy School, Mundao. Lamhe chote se ye, zindagi se bhare, inhe haathon mein bhar le, और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला बसंत, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ, सिर्फ केनी दिल्ली। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब पंचायतों में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां ग्राम स्वराज उत्सव के रूप में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत सिबनी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां दनेश्वर सिन्हा ने नवीन सरपंच के रूप में पदभार ग्रहण किया। साथ ही पंच प्रतिनिधियों ने भी पदभार ग्रहण किया। बता दें
कि बालोद से लगे ग्राम सिवनी में पुराने सरपंचों एवं पंच प्रतिनिधियों का सम्मानित किया गया। जब नवनिर्वाचित सरपंच ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कलेक्टर से लगा हमारा गांव है और आज 10 साल से हमारा गांव पिछड़ा हुआ है, जिसका विकास करना कलेक्टर हमारे गांव में है, उसका लाभ हमें जरूर मिलना चाहिए। पानी स्वच्छ जल मिले, सबसे बड़ी समस्या यही है। कुमार सारे 2 नंबर वार्ड से आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बात की ग्राम सिवनी में सब जगह पानी की समस्या सब। सरपंच का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, जिसमें पर्यवेक्षक के द्वारा और सचिव के द्वारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात मैंने अपने हमारे पूरे पंचवाड़ी के द्वारा और सरपंच के द्वारा पुराने पंचों और सरपंच का सम्मान समारोह रखा था, और उसके बाद जो पंच हैं नवनिर्वाचित होकर आए हैं उनका एक परिचय जनता के सामने, ताकि उनको जान सके और आने वाले समय में वो क्या कर सकते हैं, इनके बारे में पंच भी अपने जनता के बीच बात रखे हैं। सरपंच तथा पंचों का शपथ ग्रहण समारोह धर्मजयगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत चरखा पारा में नव निर्वाचित सरपंच यशोदा राठिया ने अपने वादों को पूरी तरह से निभाया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चरखा पारा में चुनाव के पहले ही सरपंच ने किया वादा निभाया, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की जनता में यशोदा राठिया को भारी बहुमत से जिताया था, जिसका परिणाम आज ग्राम पंचायत चरखा पारा में नवनिर्वाचित सरपंच एवं नव निर्वाचित पंच के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया था, जिसके बाद नव निर्वाचित सरपंच ने अपना वादा निभाया। कसडोल जनपद पंचायत के सभी 116 ग्राम पंचायतों में आज नव निर्वाचित सरपंच एवं पंचों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। साथ ही इस शपथ ग्रहण समारोह को ग्राम स्वराज उत्सव के रूप में ग्राम पंचायत प्रथम सम्मेलन के रूप में मनाया गया। शपथ ग्रहण समारोह में जनपद पंचायत कसडोल के पंचायत अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र पढ़कर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 11 फरवरी को जनपद पंचायत कसडोल के सभी 116 ग्राम पंचायतों में नव निर्वाचित सरपंच एवं पंचों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सभी ग्राम पंचायतों में दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया था। वहीं ग्राम पंचायत छांची में नव निर्वाचित सरपंच कमल किशोर साहू ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। फरवरी 2020 को ग्राम पंचायत छांछी में नवनिर्वाचित सरपंच एवं पंचों का ग्राम स्वराज उत्सव के रूप में एक प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं आशीर्वाद देने के पश्चात सर्वप्रथम नवनिर्वाचित सरपंच के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया। आज शपथ ग्रहण समारोह में गांव के पूरे झाराझार यहां आई से ओकर हिसाब से ऐसे लगा थे कि छांछी ग्राम पंचायत पूरे छत्तीसगढ़ में टापर कर ही विकास के क्षेत्र में ऐसे सहयोग मिली तो, और ग्राम पंचायत छांछी के नाम रोशन पूरे छत्तीसगढ़ में रही। खबर रीवा से है, जहां ग्राम पंचायत कैचुआ पड़ान सरपंच रमा पांडे के साथ विगत 6 जुलाई को जनपद उपाध्यक्ष नपेंद्र सिंह पिंटू के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी वाहनों में सवार होकर आए भाजपा नेता पूर्व जनपद उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह के पुत्र बीरू सिंह द्वारा अपने आधा दर्जन साथियों के साथ जनपद प्रांगण में पहुंचकर सरपंच रमा पांडे के साथ मारपीट की गई थी। इसको लेकर सरपंच रमा पांडे एवं जनपद उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह पिंटू द्वारा नई गढ़ी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन नई गढ़ी पुलिस द्वारा काउंटर मुकदमा कायम किया गया, जिसको लेकर जनपद पंचायत नई गढ़ी के गुस्साए सरपंचों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए नई गढ़ी थाने का घेराव किया। इनके ट्रक को ढूंढ रहे हैं, क्षेत्र में इतनी चोरी की घटनाएं हुई हैं, आज तक नई गढ़ी पुलिस ने एक भी चोर को गिरफ्तार नहीं किया।
अभी मैं तत्काल की घटना बताऊं कि 6 तारीख को हमारे कछुआ प्रांत के सरपंच के साथ जनपद कार्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों ने घुस के मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। उनके मतलब जो आरोपी थे उनके तरफ से भी FIR कर दी जाए, अब वो ये जांच में ही मालूम पड़ पाएगा किसने सही करवाई और किसने गलत करवाई। अब जैसे आपके पक्ष ने अगर उसकी सही FIR करवाई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके ट्रक को ढूंढ रहे हैं, क्षेत्र में इतनी चोरी की घटनाएं हुई हैं, आज तक नई गढ़ी पुलिस ने एक भी चोर को गिरफ्तार नहीं किया। अभी मैं तत्काल की घटना बताऊं कि 6 तारीख को हमारे कछुआ प्रांत के सरपंच के साथ जनपद कार्य। और इसी के साथ खबरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बस इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ KNews इंडिया। प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने की है चाहत, लेकिन जानकारी के अभाव की है दिक्कत, तो मत हो परेशान, वकील आपका देगा समाधान। देखिए सिर्फ KNews पर। देवभूमि के कण कण की, सभ्य जनतंत्र के, हर शहर के, वादी और पर्वतों के गांव से, मेरे उत्तराखंड में, पहाड़ों की राजनीति की हर धूप छांव से रूबरू कराएंगे आपको, हर खबर दिखाएंगे आपको। खबर उत्तराखंड में सिर्फ KNews पर। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण ना करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख, कीजिए सवाल, जानिए।